हेलो एंड वेलकम टू 59th एपिसोड ऑफ लो बैक पेन सीरीज। आई एम डॉक्टर वरुण वासल और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे डीजेनरेटिव डिस्क डिजीज और डिस्क डेसिकेशन के बारे में। आप लोगों ने जितनी भी एमआरआई करवाई है एंड डिस्क बल्ज के बाद सबसे कॉमन जो वर्ड लिखा होता है वो आजकल लिखा होता है डिस्क डीजनरेशन या डेसिकेटिव डिस्क या अर्ली डीजनरेटिव चेंजेस इन द डिस्क L4, L5, L5S1, ये सबके एमआरआई में मिलता है। पर अब लोगों को अगर लगता है कि डीजनरेशन जो है वो तो ओल्ड एज में है तो वो लोग सोचते हैं कि ये तो ओल्ड एज की प्रॉब्लम, पर ये यंग पेशेंट्स जो जिनके एज 18 से लेके 30 तक है उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही है। तो ये क्यों आ रही है वही हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो चलिए अब बात करते हैं कि क्यों यंग पेशेंट्स में भी डिस्क डेसिकेशन या डीजेनरेटिव चेंजेस जो डिस्क में हो रही हैं उसके हमें सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ओल्ड एज में तो चलो मान लेते हैं कि डीजेनरेशन हो रही है, एज रिलेटेड फिनोमेना है, ये होना ही होना है। अब यंग पेशेंट्स में जो जिनकी एज 18 से 30 ईयर्स है उनमें ऐसी चीज़ क्यों हो रही है उसके रीज़न मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आप अपनी एमआरआई लेके बैठ जाइए उसमें डिस्क डेसिकेशन, डेसिकेशन का मतलब है लॉस ऑफ वाटर, क्योंकि हमारी जो डिस्क होती है उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो 80% उसमें फ्लूइड होता है यानी कि वाटर स्टोर होता है। तो वो वाटर जो स्टोर होता है वो क्यों डीजनरेट हो रहा है, क्यों लॉस ऑफ वाटर हो रहा है यंग पेशेंट्स में भी जबकि ये तो एज रिलेटेड होना चाहिए। तो इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ओल्ड पेशेंट्स में जो डीजनरेशन होती है वो एज रिलेटेड होती है, जो यंग पेशेंट्स में होती है उसको हम ओवर यूज़ का नाम देते हैं। क्योंकि अगर एक चीज़ है उसका एक टाइम पीरियड है उसको यूज़ करने का, या तो आप उसको कम से कम 10-20 साल तक यूज़ कर सकते हैं, या आपने अगर 10-20 साल तक रोज़ दो दो तीन तीन घंटे के लिए यूज़ करना है तो वो 20 साल तक ख़त्म होगी। अगर आप वही चीज़ 10-10 घंटे रोज़ यूज़ करना शुरू कर दोगे तो वो उतने साल तक नहीं चलेगी, वो जल्दी ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं ओवर यूज़। अब यंग पेशेंट्स में होता है ओवर यूज़ इम्प्रॉपर कैसे होता है, सबसे पहला उसका रीज़न है इंस्टेबिलिटी। इंस्टेबिलिटी का मतलब होता है अगर हमारे मसल जो हैं, जो हमारे वर्टिब्रा है उस पर प्रॉपर हर वर्टिब्रा के बीच में एक डिस्क होती है दोनों वर्टिब्रा को सेपरेट करने के लिए। अब उस वर्टिब्रा पे जो मसल्स ने एक्ट करना है या हमारी कोई भी मूवमेंट करनी है, हम झुक रहे हैं, सारा दिन बैठ रहे हैं, भाग रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो स्टेबिलिटी जो है वो हमारे मसल्स को इस तरह से यूज़ करवाती है कि हमारी जो स्पाइन है वो एक प्रॉपर मोशन में हर जगह पे प्रॉपर वेट आए। अब जब ये वेट प्रॉपर ना पड़ के L4, L5, L5S1 पे ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है, या क्या होता है कि इतने मसल्स वीक हैं कि जब भी हमने कोई मूवमेंट करनी है तो पेन तो हमें दे रहे हैं पर वो मूवमेंट भी है प्रॉपर नहीं कर पा रहे, और अलग अलग जगह पे वेट डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, इम्प्रॉपर वेट डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी नहीं रहती। अब स्टेबिलिटी की वजह से एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है L4, L5, L5S1 वहाँ पे बार बार वर्टिब्रा की मोशन हो रही है, इंटर वर्टिब्रल मोशन जब शुरू हो जाता है वर्टिब्रा आपस में घिसना शुरू कर देता है, उसकी वजह से जो डिस्क है वो डीजनरेशन में चली जाती है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है, अगर हमारी मसल की इंस्टेबिलिटी नहीं है तो प्रॉपर वेट भी नहीं पड़ेगा जहाँ पे हम डालना चाहते हैं, इम्प्रॉपर वेट कहीं कहीं पे डिस्क पे पड़ता जाएगा जिसकी वजह से ये डीजनरेशन हो जाती है। ये होता है पहला कारण। सेकंड आता है ओवर यूज़। अब यंग पेशेंट्स को एक्सरसाइज करने का शौक है, हर चीज़ें करने का शौक है, भागना है, दौड़ना है, जंप करना है, डांस करना है, ये सारी चीज़ें वो करते हैं। अब जब रात को सोने का टाइम आता है, जब हमने जो फेज़ होता है हमारा, एक तो होता है वेट बियरिंग फेज़ होता है, एक होता है हमारा जिसमें नॉन वेट बियरिंग फेज़ जिसमें हम अनलोडिंग जिसको बोलते हैं। अब आजकल वो अनलोडिंग भी प्रॉपर नहीं हो पा रही है, क्यों, क्योंकि वो लेटते तो है नहीं, बैठ के टीवी देख रहे हैं, रात रात भर नेटफ्लिक्स चल रहा है, तो उसकी वजह से जब वो सिटिंग में रहते हैं तब वो अनलोडिंग प्रॉपर नहीं होती जिसकी वजह से डिस्क वापस अपना जो वाटर है वो स्टोर नहीं कर पा रही। तो ये ओवर यूज़ में आता है। आप लगातार इतनी देर तक सिटिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सिटिंग हो जाती है कईयों की, तो ये जो ओवर यूज़ है ये धीरे धीरे करते करते क्या करता है, जो चीज़ मैंने आपको बताया था, जो चीज़ हमारा 15-20 साल तक चलनी थी अगर आप रोज़ उसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दोगे तो वो चलेगी कम, क्योंकि आपने उसका यूज़ करना ज़्यादा शुरू कर दिया। तो ये ओवर यूज़ भी बहुत बड़ा कारण होता है। तो हमने अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा स्प्लिट करना चाहिए। हफ्ते में आप ऐसा रखिए कि हमने अगर ये एक्टिविटी कर ली है हफ्ते में 3 दिन, तो 3 दिन के बाद उसको थोड़ा रेस्ट भी दीजिए। और जो लोडिंग अनलोडिंग वाला सिस्टम है उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, वो जाके ज़रूर देखिए, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली यंग पेशेंट्स के लिए। वैसे भी मैंने डीजनरेटिव यानी कि DDD पे एक प्रॉपर वीडियो बनाया हुआ है कि इसको कहते क्यों होता है ये, पर यंग पेशेंट्स और ओल्ड पेशेंट्स में डिफरेंस है ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ, और इसकी एक्सरसाइज मैं ऑलरेडी बता दे चुका हूँ, तो जिसको एक्सरसाइज देखनी है वो भी उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, DDD की आप एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूस सिटिंग, जो मैंने अभी बताया। अब लोगों का काम, स्पेशली जो हमारे यंग पेशेंट्स हैं या तो वो स्टूडेंट्स होंगे,
या कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो जॉब भी सिटिंग है और अगर पढ़ना है तो वो भी सिटिंग में होना है। तो जब सिटिंग ज़्यादा होने शुरू हो जाती है, हमारी जो प्रॉब्लम क्या आती है, सबसे ज़्यादा सिटिंग में ही आती है। सिटिंग ज़्यादा होती है, कभी हम किस तरह से बैठ रहे हैं, कभी किस तरह से बैठ रहे हैं, आजकल वर्क फ्रॉम होम हो रहा है तो वो भी सिटिंग में हो रहा है, तो 10-10 घंटे लगातार बैठे रहते हैं। वो सिटिंग की वजह से भी हमारा जो पोर्शन है, हमारी डिस्क है, उस पर वेट पड़ा रहता है, क्योंकि सिटिंग सबसे ज़्यादा वेट लेती है, क्योंकि हमारी स्पाइन जो है वो फ्लेक्शन में चली जाती है, तो फ्रंट से एंटीरियर साइड से भी डीजनरेशन हो रही है, पीछे से भी डीजनरेशन हो रही है। तो ये जो डीजनरेशन का कारण होता है, ये सबसे बड़ा कारण हमारा सिटिंग की वजह से भी होता है। तो हमें सिटिंग में क्या करना चाहिए, हमें थोड़ी थोड़ी देर बाद, हर आधे पौने घंटे बाद थोड़ा सा उठ के घूम के फिर बैठ जाना चाहिए। तो ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है। नेक्स्ट आता है डिहाइड्रेशन। लोग कई मैंने यंगस्टर्स देखे, वो पानी पीते ही नहीं है, सारा सारा दिन निकल जाता है, वो पानी नहीं पीते। अब जिनका डिहाइड्रेशन होगा, यानी पानी की कमी होगी, तो वो जब अनलोडिंग फेज में जाएंगे तो बॉडी कहाँ से वाटर स्टोर करेगी। तो ये जो डिहाइड्रेशन है, ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो हर थोड़ी देर बाद आप कम से कम अपना पानी जरूर पिया कीजिए। तो कोई भी आप लिक्विड ले सकते हैं, कोई इलेक्ट्रोलाइट्स ले सकते हैं, ताकि हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस भी ना हो। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी। तो ये कारण होता है जो यंग पेशेंट्स में हमारा डिस्क, हमारा डिजेनरेटिव डिजीज आता है। यहाँ कोई ओल्ड डिस्क बल्ज निकला है, पुराना कोई डिस्क बल्ज निकला हुआ है, जिसकी वजह से वो हीलिंग स्टेज में है। अब डिस्क बल्ज आपको मैं बता दूँ डिजेनरेटिव डिस्क डिजीज में क्या होता है। ये देखिए, इस तरह से ये ब्लैक पोर्शन होता है। आप ये देखिए, ये सारे जो डिस्क है, ये हमारे ग्रेइश वाइट इसमें, यानी कि वाटर स्टोर्ड है, यानी कि वाटर, ये हेल्दी डिस्क है। और ये जो ब्लैक पूरी हो चुकी है, ये डिजेनरेटिव डिस्क है। अब डिजेनरेटिव डिस्क क्यों है, क्योंकि अब इसमें जब वो बाहर निकली थी, तब उस टाइम पे उसका क्या हुआ था, डिस्क बल्ज हुआ था। अब वो वहीं पे हील हो चुकी है, अब वहाँ पे वो सूख चुकी है, अब वो इस तरह से वो पूरी ब्लैक हो जाती है। तो इसलिए ये डिजेनरेटिव डिस्क जो है वो यंग पेशेंट्स में होता है। अब ओल्ड पेशेंट्स में क्या क्या कारण आते हैं, एक तो एज रिलेटेड, आपको पता है सारे जॉइंट्स जैसे डिजेनरेट करते हैं, जैसे हमारा घुटना है, ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है, तो उसकी वजह से भी इस तरह से डिस्क में भी चेंजेस आते हैं, ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। सेकेंड आता है ज्वाइंट डीजनरेशन। ज्वाइंट जैसे फेसेट ज्वाइंट आर्थ्रोपैथी, हमारे वर्टिब्रा एंड प्लेट्स जो है वो घिसनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जो डिस्क पे वो प्रेशर ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो एंड प्लेट्स ने, जो वर्टिब्रा ने वेट लेना था, अब वो एज के साथ साथ हमारे मसल वीकनेस होने की वजह से, या जो ज्वाइंट सपोर्ट नहीं कर पा रहा, उसकी वजह से हमारे डिस्क पे प्रेशर ज़्यादा आ रहे हैं। तो जब भी हमने खड़े रहना है, या उनको क्या होता है, पोस्चर, जो ओल्ड एज में होते हैं तो उनका पोस्चर भी इस तरह से झुका हुआ रह जाता है, तो उनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम जो है जॉइंट डिजनरेशन की वजह से इनको डिस्क डिजनरेशन होती है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ स्टेबिलिटी। इनमें भी इंस्टेबिलिटी होती है, पर ये इंस्टेबिलिटी होती है इनके कोर मसल्स वीक हो गए, यहाँ क्या हुआ, ये ओबीज है पेशेंट, ज़्यादा जो ओबीज होते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि उनका जो पोस्चर होता है वो एक्सटेंशन में रहता है, तो पीछे से क्या होता है, डिस्क पे ज़्यादा वेट आ रहा है। तो इस तरह से ये इंस्टेबिलिटी या पोस्चर की प्रॉब्लम की वजह से भी इनको ज़्यादा डिजनरेशन शुरू हो जाती है। तो ये हमारा कारण होता है, क्योंकि सभी लोगों को लगता था कि ये जो डीजनरेशन प्रोसेस है, ये तो ओल्ड एज में होना चाहिए। तो काफ़ी लोग, जब पेशेंट अपनी एमआरआई देखता था, जो यंग पेशेंट होता था, वो एमआरआई देखते थे, वो डर जाते कि हमें ऐसा क्यों हो गया, अब अगर हमारी इतनी एज में ये प्रॉब्लम शुरू हो गई तो हम आगे क्या करेंगे। तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये डीजनरेशन जो है ये टेम्परेरी होती है, धीरे धीरे आपके एक्टिविटीज़ करने से, या आपके इसको स्टेबल करने से, या एक्सरसाइज करने से, ये आपको रिवर्स भी कर सकते, ये वाले रिवर्स कर सकते, पर ये वाले रिवर्स नहीं कर सकते। तो जो ये डीजनरेशन है, इसको हम वापस थोड़ा थोड़ा ला सकते हैं, पर कम्प्लीटली अगर कहेंगे वो ब्लैक पोर्शन आपको जो दिखना है वो वाइट शुरू हो जाए, वो उसको, उसके चांसेस थोड़े कम होते हैं, पर आपको जो इसकी प्रॉब्लम आ रही है वो नहीं आया करेगी। तो ये ध्यान रखिए, जिसको डेसिकेटेड डिस्क हो रहा है तो वो डिहाइड्रेशन की वजह से हो रहा है, या बाकी जो प्रॉब्लम की वजह से, जो मैंने आपको कॉज बताए हैं उनको कैसे ट्रीट करें, उसके बारे में आपको मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है एक्सरसाइज का। इसके लिए आपको अब पता लगना चाहिए कि हमें बैठना कैसे है, कौन कौन से मसल को स्ट्रेंथन करना है, ओवर यूज़ ज़्यादा नहीं करना है। इन लोगों को लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डीजनरेटेड डिस्क या डेसिकेटेड डिस्क से जब एमआरआई में देखें तो उसमें बिल्कुल घबराना नहीं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों को साथ शेयर कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, आप कमेंट भी कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके जितने भी मैं कमेंट्स में क्वेश्चन पढ़ता हूँ उसके रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाने शुरू कर देता हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो आप किस पे देखना चाहते हैं उसके लिए आप हमें बता दीजिए। ये वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये जितने लोगों को भेजेंगे उनको उतनी नॉलेज बढ़ेगी,
जितनी नॉलेज बढ़ेगी उनको उतना डर कम लगेगा। तो आप उनका भला कर रहे हैं ये वीडियो शेयर करके। और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि इसका एक भी वीडियो मिस करने वाला नहीं है। और मुझसे वन टू वन कंसल्ट करने के लिए नीचे लिखे नंबर पर जाकर आप मुझसे वन टू वन कंसल्टेशन कर सकते हैं। उसकी छोटी सी फीस होती है, उसको पे करके आप मुझसे वन टू वन कंसल्ट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।